हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, अब हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, मोलर रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसको हम सिंपली एन से इंडिकेट करते हैं और ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड टू द सब्सटेंस। तो अगर हम कोई लाइट को वैक्यूम या एयर से हमारे सब्सटेंस के अंदर पास करते हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी है एयर में और हमारे सब्सटेंस में, उसका रेशियो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर हम किसी लाइट की रे को पास करते हैं एयर से लिक्विड में, तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करता है और ये जो चेंज इन डायरेक्शन है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, तो ये जो है इन्होंने इसको एयर के रेफरेंस में, वो रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस प्लेस पे अगर हम आई की बात करें, तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो हमारी इंसिडेंस रे है उसका जो एंगल है वो आई है, और अगर हम आर की बात करते हैं तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज है उसका जो एंगल है वो आर है और ये एयर से हमारे लिक्विड के अंदर आ रहा है। तो अगर हम अगर हमको आई और आर की वैल्यू पता है, तो सिंपली हम इस इक्वेशन के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेरी करता है विद द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो जो हम अपना एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है, और हम किस वेवलेंथ की लाइट को यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। हाँ, तो अक्सर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम यूज करते हैं डी लाइन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज मेजर्ड बाय यूजिंग डी लाइन ऑफ सोडियम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जो है डी लाइन ऑफ सोडियम को यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम सिंपली एन 20 बाई डी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 20 है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, किस टेम्परेचर पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, और डी क्या है, जो हम डी लाइन ऑफ सोडियम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है, और एन यहाँ पे सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट करता है। तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन के बारे में, वो लॉरेन ने 1880 में ये एक जो वो रिलेशन जो है वो डिराइव किया था, और इस वो रिलेशन में आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू वन अपॉन डी। तो यहाँ पे जो हमारा आर एस है वो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन है, डी जो है डेंसिटी है हमारे लिक्विड की, और एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो हमारी आर एस की वैल्यू है ये हर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है, मींस ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मोलर रिफ्रैक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन एंड मॉलिकुलर मास को हम मोलर रिफ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स अगर हम स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिकुलर मास से, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो मोलर रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको हम सिंपली आर एम से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, आर एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू इन टू एम अपॉन डी। यहाँ पे जो आर एम है ये है मोलर रिफ्रैक्शन और एम है मॉलिकुलर मास। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एबी रिफ्रैक्टोमीटर। ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर एक फिक्स्ड इसके अंदर टेलीस्कोप होता है, ये है प्रिज्म जो असेंबली, इसके अंदर जो भी हमें वो लिक्विड है उसकी हम एक यहाँ पे थिन फिल्म, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है उसकी यहाँ पे एक हम वो थिन फिल्म जो है प्लेस कर देते हैं, और हम इस पे लाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस साइड स्केल है वो जहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए थिन फिल्म ऑफ द लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन टू प्रिज्म, दो प्रिज्म के बीच में हम अपने लिक्विड की एक थिन फिल्म को प्लेस कर देते हैं। लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प फॉल ऑन द लोअर प्रिज्म, तो जो हमारा सोडियम लैम्प है उससे लाइट हमारे लोअर प्रिज्म के ऊपर हम डालते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जो हमारी लाइट है वो इंटर करती है हमारे लिक्विड के अंदर और उसके एंगल को चेंज करती है। तो जब हम अपने टेलीस्कोप से इसको देखते हैं तो वहाँ पे हमें दो बैंड जो है देखने को मिलते हैं। पहला बैंड हमारा ब्राइट होता है और एक उसमें डार्क बैंड होता है। तो अब हम अगर अपने प्रिज्म की असेंबली को रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो दोनों हमारे बैंड हैं जब एक दूसरे में मैच हो जाते हैं और एक हमें वहाँ पे ब्राइट लाइट या ब्राइट बैंड देखने को मिलता है, तो वो उस समय जो हमारा पॉइंटर है उसकी जो वैल्यू है वो सिंपली इंडिकेट करती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इसमें जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है हमारे लिक्विड की, हमारे सब्सटेंस की, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ केमिकल। तो जो हमारा केमिकल है उसकी आइडेंटिटी और प्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को यूज़ करते हैं। यूज्ड इन डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस एंड एल्कोहलिक सोल्यूशन। तो अगर कोई हमारे पास एक्वस या एल्कोहलिक सोल्यूशन है उसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को यूज़ करते हैं। यूज्ड इन द वो डिटरमिनेशन ऑफ शुगर कंसंट्रेशन एल्कोहल कंटेंट इन द जो है फर्मेंटेशन। तो इसको हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए हमारे शुगर की कंसंट्रेशन को या एल्कोहल कंटेंट को, अगर कोई हम कर रहे हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। और जो इसका अंतिम यूज़ है ये है जो है फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री में नॉन एल्बुमिनस अगर कंटेंट है तो उसके वो डिटर्मिनेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ, टोटल वो ग्लोबुलिन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और एल्ब्यूमिन को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।